सो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये टॉय कैटेगरी का LHB कोच बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चेसी को कटआउट कर लिया जो कि इस सनबोर्ड की मदद से, और ये रहा लेंथ, जो लेंथ है इसका 19.8 सेंटीमीटर का और चौड़ाई जो है इसकी 2.9 सेंटीमीटर की। और सामने देख सकते हो वंदे भारत का कोच आइडिया लेने के लिए यहाँ पे रख के रखा है ताकि सेम मैं बना सकूँ ऐसा ही कोच। तो अब फटाफट इसका जो कोच का डिज़ाइन है, बॉडी शेल का डिज़ाइन है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और ये रहा गाइस बॉडी शेल बनाने का डायमेंशन जो कि मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखा है। अब इन्हें कटआउट करके बॉडी शेल के शेप में कर देंगे हम। और ये रहा गाइस बॉगियों के दोनों साइड का एंड वॉल, और ये रहा इसका डायमेंशन जो यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। और इन्हें भी फटाफट कटआउट करके लगा देंगे फेविक्विक के मदद से। और ये रहा गाइस कार्टरेज शीट जिसके ऊपर मैंने मार्किंग करके रखा है, और जो डिजिट लिखी है ना वो MM में है, इससे कन्फ्यूज मत होना। और इसका यूज़ करके मैं बॉगीज़ का रूफ बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। और ये रहा गाइस नॉर्मल नोटबुक का पेज जिसका स्ट्रिप कटआउट करके मैं बॉगी का जो रूफ़ है और जो वॉल है दोनों के बीच का फिनिशिंग दे दूंगा इसे चिपका के। We'll be right back.
यहाँ पे देख सकते हो बॉगी को कुछ इस तरीके से रख के पेंसिल से मार्क करके देन इस कार्डबोर्ड को कटआउट करके ना मैं साइड में लगा दूंगा, दोनों साइड में। और ये आपको हर बार मतलब जितने भी साइड है ना, हर साइड रख के करना पड़ेगा, क्योंकि हर साइड अलग अलग है, क्योंकि परफेक्ट साइज तो है नहीं, क्योंकि हैंडमेड है। तो इस वजह से आपको हर बार रख के ऐसे मार्किंग करके कटआउट करके लगा देना पड़ेगा, ताकि इसका जो फिनिशिंग है और भी बढ़िया हो जाए। देन हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने चेसी कटआउट करके रखा था चार, उन्हें यहाँ पे फेविकॉल से और देन फेविक्विक के मदद से परमानेंटली अटैच कर देना है। देन ये रहा गाइस, ये है आपका LHB कोच का स्टिकर, जो कि कस्टमली मैंने खुद बनाया है इसी फॉर्म फैक्टर को देखते हुए। तो इसे हम कटआउट करके फेविकॉल की मदद से यहाँ पे लगा देंगे। और ये आप प्रिंट आउट आपको चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना। और यहाँ पे देख सकते हो फेविकॉल से मैंने चिपकाने के बाद मैंने क्या करा, ये जो स्टिकर है या कह सकते हो प्रिंट आउट है, इसके ऊपर मैंने फेविकॉल का एक लेयर लगा दिया, ताकि ये जो ग्लॉस जैसा फिनिशिंग देख पा रहे हो ना, तो ये इसी वजह से ही है, तो क्योंकि मैंने इसके ऊपर फेविकॉल का एक कोटिंग दे दिया। तो ऐसे अगर आप फेविकॉल का कोटिंग किसी भी प्रिंट आउट पर लगाते हो चिपकाने के बाद, देन आपको ऐसा ही आउटपुट मिलेगा। देन मैंने जितने भी प्रिंट आउट है इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा दिया, ताकि इसका जो रूफ है उस पर मैं
स्प्रे कलर से कलर कर सकूं। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मैट ग्रे स्प्रे कलर। हाँ, ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन पहले मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो इस वजह से ही मैंने वॉल कंप्लीट करने के बाद ही कर रहा हूँ। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो ये चार ऑयल टैंकर रेलकिंग का, जिसे मैंने कटआउट कर दिया कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हम लगाएंगे अपने एलएचबी कोच में। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने फिनिशिंग दे दिया। और ये रहा अपना सैंडी टॉय का कबलर, जो कि ये वाला पार्ट यहाँ पे लग जाएगा, देन ये एलएचबी के चेसी में लग जाएगा। तो फटाफट से मैं इन्हें कम्प्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली अपना जो एलएचबी कोच है रेडी टू रन हो चुका है। अब ये फुल्ली रफ्तार में भागने के लिए तैयार है अपने ट्रैक पे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना मेरे को ये जो वुडन ब्लॉक है यहाँ पे लगाना पड़ेगा इन कोचों को स्टेबल करने के लिए, नहीं तो ये ट्रैक में ना जैसे कर्व आता है ऐसे वॉबल करने लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट एड ऑन करने के लिए मेरे को ये वाला वुडन ब्लॉक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये मैं सेम इसी ग्रे कलर का करके यहाँ पे फेविक्विक की मदद से लगा दूंगा, देन हमारा कुछ कह सकते हो रेडी हो जाएगा। और माइनर डिटेलिंग जो बाकी रहेगा, यहाँ पे नेम प्लेट और यहाँ पे आपका गैंगवे का डिजाइन। तो फटाफट से इसे भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और ये रहा गाइस गैंगवे साइड का डोर, और ये डोर का साइज़ है 1 सेंटीमीटर, बोथ साइड टोटल है 2 सेंटीमीटर का, और साइड से आपका साइड एक 3 mm का गैप है, और टॉप साइड जो गैप है वो है 2 mm का। और बाकी डोर का जो विंडो, इसमें मैंने ब्लैक मार्कर से कलर कर दिया, देन यहाँ पे पेंसिल के मदद से मैं शेडिंग कर रहा हूँ ताकि वो मेटेलिक इफेक्ट आ जाए डोर में।
सो गाइस फाइनली यहाँ पे जो अपना एलएचबी कोचेस है कंप्लीट हो चुका है 100%। और आपको मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था मैंने ये वाला डोर बनाया था, तो अब ये डोर में जितने भी कोचेस हैं यहाँ पे फेविकॉल की मदद से चिपका दिया जितने भी डोर्स हैं, और साइड साइड में देख सकते हो मार्कर से कलर कर दिया ताकि कोई भी लीकेज ना रहे पेज का, और पेज कह रहा हूँ ये कार्डबोर्ड का। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो डिटेलिंग, यहाँ पे लिख रखा है मैंने हावड़ा नई दिल्ली, जो कि हिंदी फॉर्मेट में है। यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मेट के यूज़ करा है, इसमें लिखा हुआ है हिंदी, दोनों साइड हिंदी लिखी हुई है हावड़ा नई दिल्ली, और इसमें लिखा हुआ है अपना इंग्लिश में हावड़ा नई दिल्ली, जो कि इंग्लिश में फिर भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस साइड भी है जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला भी हिंदी में ही सॉरी इंग्लिश में है, और ये वाला अपना बंगाली में, यहाँ पे भी लिख रखा है बंगाली में हावड़ा न्यू दिल्ली। तो जो हिंदी टेक्स्ट है और बंगाली टेक्स्ट है उसमें ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ इंग्लिश वाला में भी फिर भी समझ आ रहा है। और ये डिपेंड करता है, अभी ये तो मेरे ऊपर तो नहीं है ना, जिस प्रिंटर से प्रिंट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है ये। हालाँकि मैंने पूरी कोशिश की है, एग्जैक्ट जो एच ओ स्केल के हिसाब से साइज़ होती है वही मैंने निकाल के यहाँ पर लगा के रखा है मैंने। खैर कोच तो हो चुका है कंप्लीट, एक बार मैं आप लोगों को रनिंग सेशन दिखा देता हूँ, तो फिर मिलता है रनिंग सेशन में।